पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता व उसके परिवार की अराजक तत्वों द्वारा की गई हत्या का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। यह जनपद संभल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कैंडल मार्च निकालकर एडीएम संभल लवकुश त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। संभल के चंदौसी चौराहे पर डॉक्टर विशाल चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसका विषय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जनपद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और उसके परिवार के हत्या के संबंध में है। यह महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन है जो महामहिम को प्रेषित करते हैं। आज आप लोगों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जनपद में बंधु प्रकाश जी जो पेशे से शिक्षक थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, उनके पूरे परिवार जिसमें उनका 6 वर्षीय बेटा, गर्भवती पत्नी और वो स्वयं घर में घुसकर कुछ अराजक तत्वों ने उनकी नृशंस हत्या कर दी। वो वीडियो मैंने देखा है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। ये कोई नई घटना नहीं है, इस प्रकार की अनेकों घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या पूरी तरह से हो चुकी है, वहाँ जंगल राज कायम है। हम राष्ट्रपति महोदय से ये कहना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जा सके ताकि वहाँ लोकतंत्र की बहाली हो सके। हिंदू संस्कृति हमेशा से अन्य संस्कृतियों की पालक रही है। कश्मीर में जाइए, कश्मीर में देखिए, कश्मीरी पंडितों को रातों रात मारकर वहाँ से निकाल दिया गया। केरला चले जाइए, जहाँ देखिए वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हमारी तरफ से कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहाँ इस प्रकार की घटना को किसी हिंदू ने अंजाम दिया हो। अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम राष्ट्रपति महोदय को ये आह्वान करना चाहते हैं कि वहाँ पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ लोकतंत्र को बहाल किया जाए। आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज हमने बंधु प्रकाश जी व उनके परिवार को यहाँ सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसी स्थिति में बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ जिंदा नहीं बची है।